तो अब मैं दिखाऊंगा आपको अजीब चीज़। ये पत्थर, ये बहुत बड़ा पत्थर है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। पहले हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केम छू असल पर छू माई सेल्फ कली मीर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। होप सो ऑल आर फाइन। तो काफ़ी सारे प्लान जो है वो बन चुके हैं। इंशाल्लाह जल्दी ही आपको ट्रैकिंग और कैंपिंग व्लॉग जो है देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इंजॉय करें। तो आज का व्लॉग यहीं शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज के व्लॉग में मैं अपने गांव को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे गांव के अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उनको एक्सप्लोर करने की और आपको दिखाने की। लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अपना गांव। ये मेरा घर आपको मैंने दिखाया था परसों वाली व्लॉग में भी। तो ये नीचे जो है एरिया पूरा, ये मेरा गाँव है, ये वाला एरिया, ये पूरा बायला का एरिया है, ये आप देख रहे हैं। वाकई कितना खूबसूरत है, आप खुद ही देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, देखें आप, है ना कमाल। तो ये रहा मेरा गांव, ये लास्ट ऊपर तक जाता है। तो उसके बाद मैं अगर बात करूं मेरे गांव की रोड की, ये रोड हमारी गांव की है, काफ़ी टाइम से इसकी कटिंग हुई है, तो अभी तक जो है ये इनकम्प्लीट ही है। तो ऐसे आप ये देख रहे होंगे बैकग्राउंड कितना कितना मस्त सीन है ना। उसके बाद ये ज़ियारत है हज़रत ग़ुलाम मईउद्दीन साहब का, जो मज़ार है ये आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये वाकई ही मेरा गांव जो है बहुत खूबसूरत है, खूबसूरती कमी नहीं है मेरे गांव में। आप देख रहे होंगे पीछे कितना खूबसूरत एरिया है, ये देखें आप, ये देखिए। तो तुम्हारा क्या कहना है इस मेरे गांव के बारे में, क्या ख्याल आते हैं आपके कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी और भी कुछ चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊँगा, तो अच्छी अच्छी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। थोड़ा और आगे निकलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा जो यहाँ का हाई स्कूल है। ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हमारे गांव का जो स्कूल है, हाई स्कूल, दो तीन बिल्डिंग्स है। इधर आगे भी है एक दिसवान। तो रोड जो मेन रोड है उससे तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है, टीचर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ तक पहुँचने में। तो हम बात करें खूबसूरती की, तो उसकी कमी तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे गांव में, ये देखिए आप। अब मैं दिखाऊंगा आपको अजीब चीज़। ये पत्थर, ये बहुत बड़ा पत्थर है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ पहले। गाइस तो ये रहा पत्थर, ये बहुत ही बड़ा पत्थर है, न जाने यहाँ पे कैसे आ गया ये। कहा जाता है कि पिछले ज़माने में कोई जिन हुआ करता था,
तो उसने ये पत्थर यहाँ पे रखा है। तो मैं आपको बताऊंगा इसका एक और पत्थर, साथ वाला पत्थर जो है वो नीचे है। तो ये रहा वो पत्थर, काफ़ी बड़ा पत्थर है। वीडियो में शायद आपको छोटा दिख रहा होगा लेकिन एक्चुअल में जो काफ़ी बड़ा है। ये देखिए आप, कोशिश करूंगा पूरा दिखाने की। काफी ऊंचा है ये पत्थर, बैठने के लिए जगह भी है यहाँ पे बारिश बारिश में काफी। ये देखिए आप, आराम से इसके नीचे हम बैठ सकते हैं बारिश बारिश में। ये देखिए आप, बाकी इसके जो साथ वाला पत्थर है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं। ये रहा दूसरा पत्थर। कहते हैं कि पहले ज़माने में कोई जिन हुआ करता था, तो उसने ये उठा के यहाँ पे रखे हुए हैं। अब सच्चाई क्या ये तो मैं नहीं जानता, जैसे मैंने सुना हुआ है तो वह मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ व्यू इसके ऊपर का है, ये देखिए आप, बहुत बड़ा पत्थर है गाइस। ये देखिए कितनी हाइट में, मैं तो वो नीचे खड़ा था। अगर मैं बात करूं अपने गांव के फ्रूट्स के बारे में तो तकरीबन 50% घर ऐसे हैं जिन घरों में 3-4 किस्म के फ्रूट जो है लगते हैं, जिसमें खुबानी हो गई, नाशपाती हो गई, सेब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर वहीं तो वनमो कम से कम 5% घर इथ यहाँ मज इवन पन फ्रूट लगान गर यहाँ मज चेर खोबानी नाशपाती चूच वगैरह वगैरह वाकई मतलब कमाल ना। इससे ऊपर क्या ही होना चाहिए गांव में, इतनी खूबसूरती के साथ साथ इतने फल वगैरह भी जो है यहाँ पे लगते हैं। तो बाकी मैं क्या ही कहूँ, आप मैं खुद देखा ही कितनी खूबसूरत जगह है पायला, कितना खूबसूरत है मेरा गांव। तो वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। तो बाकी आपका क्या ख्याल है, जो आपने वीडियो देखी, वीडियो कैसी लगी आपको, मतलब ब्यूटी है या नहीं है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो में क्या अच्छा लगा आपको। और मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।